हालेलुया, सबका जय मसीह की। और हम आपके बीच में कुछ अहम जानकारी देना चाहते हैं। प्रभु के महान सेवक अपोस्टल रवि जकराया जब हमारे बीच में नहीं रहे, 19 मई 2020 को वो इस संसार को छोड़कर प्रभु के पास चले गए हैं। ट्राई सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ डिविनिटी पाने वाले जकराया का जन्म 26 मार्च 1940 को मद्रास में फ्रेडरिक एंटनी रवि जकराया के रूप में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि 17 साल की उम्र तक रवि जकराया इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के संस्थापक एक नास्तिक व्यक्ति थे जब उन्होंने पहली बार जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। लेकिन उसके आत्महत्या के प्रयास के बाद जब जकराया ने पहली बार बाइबल पढ़ी तो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में महसूस करने से उनके विचार आत्महत्या के बारे में बदल गए और उन्होंने बाइबल में इस वचन को पढ़ा, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। इन शब्दों से प्रेरित होकर उनका पूरा जीवन बदल गया और यूहन्ना 14 अध्याय में उन्होंने इस वचन को देखा। इसलिए उन्होंने अपने कार्यों और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के संदेश और परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को फैलाने का एक निर्णय लिया। वह 20 साल की उम्र में कनाडा चले गए और जल्द ही अपनी आगे की मसीह शिक्षा उन्होंने शुरू की। जकराया अपने जीवन के 48 साल मसीही वचन को पढ़ने में बिताए और 30 से अधिक किताबें लिखी, जिनमें सर्वश्रेष्ठ बिकने वाली बुक कैन मैन मैन विदाउट गॉड शामिल है। जकराया ने मई 1972 में मार्गरेट रेनॉल्ड्स से शादी की। उनके 3 बच्चे सारा, नाथन और नॉमी थे। इस प्रकार 74 साल की उम्र में वो प्रभु के पास चले गए। और इस प्रकार मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर के बहुत ही महान सेवक को खो दिया है जिन्हें हर दिन हम मिस करेंगे। और वो प्रभु के महान सेवक थे, लेकिन शायद वो आज हमारे बीच में नहीं है, वो तो प्रभु के घर में चले गए हैं। लेकिन जब भी हम उनके लाइफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को, बुक्स को हम पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन उन बुक्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होंगे और उनके द्वारा लिखी गई प्रकाशनों की बुक्स हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक बुक्स हैं, जिनके द्वारा हम भी उनके जैसे प्रभु के महान कार्यों को इस संसार में लेकर चलेंगे। वो तो अपना कार्य पूरा करके प्रभु के घर में हमेशा के लिए चले गए हैं। अब उनकी बुक्स हमें उत्साहित करने के लिए कि हमें उनके जैसे उन प्रभु के महान सेवकों के जैसे प्रभु के कार्य को इस संसार में पूरा करना है। और प्रभु उनको और उनके पूरे परिवार को शांति दें, हमारी यही कामना है उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए, हमारी यही प्रार्थना है। और हम प्रभु से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के सेवक रवि जकराया जैसे महान सेवक इन दिनों में और खड़े हों, ताकि परमेश्वर के राज्य का कार्य बड़ी सामर्थ्य के साथ इस संसार में किया जाए। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।